नमस्कार राजस्थान टाइम्स के सभी दर्शकों को मैं सादर नमस्कार के साथ एक बहुत सुखद सूचना कि हमारे बेटी प्रीमियम जो लीग था उसका फाइनल मैच हो चुका है। अभी कुछ ही क्षणों में हम उसका फाइनल ये प्राइस जो आप देख रहे हैं हम उनको देंगे। जयपुर में पहली बार ये जो बेटी प्रीमियम आयोजित हुआ, जेडी माहेश्वरी जी हमारे साथ में है, पवन जी गोयल साहब हमारे साथ में है, जयपुर की पूर्व में ज्योति जी खंडेलवाल हमारे साथ में है और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा। दो दिन में महिलाओं ने, संस्थाओं ने, बहुत सारे जो सामाजिक संगठन है चाहे राजनीतिक दल है उन सबका हम समर्थन मिला इस मंच के माध्यम से और इस पिच पर खड़े होकर मैं उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब भी ये हमारा ये प्रोग्राम होगा आप इसी तरीके से अपना स्नेह और प्यार बनाए रखेंगे। जयपुरिया ग्राउंड जयपुर में बेटी फाउंडेशन और गोल्ड इवेंट्स के तत्वाधान में चलाए गए फाइनल मुकाबले में बेटी टीम ने अपराजिता टीम को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता टीम को पुरस्कार वितरित किए गए। पुरस्कार समारोह में डॉक्टर अर्चना शर्मा, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, पवन टांग, जेडी माहेश्वरी, पवन गोयल, मोहित दुबे, डॉक्टर योगिता शर्मा, कोटा एडीएम पंकज ओझा, रोहित सेठिया, विकास पोद्दार, सचिन गुप्ता, वंदना त्यागी, एंकर प्रीति सक्सेना, एंकर कुलदीप गुप्ता, एक्टर आदिराज कुमावत, देवकरण शर्मा, राधेश्याम गुप्ता, रोहित शर्मा, नरेंद्र गंगवाल, अकबर खान, मोंटी भंडारी, मनोज रॉय, ज्योति टांग, राहुल शर्मा, राज शर्मा, अजय शर्मा, मोहित मीणा, के नायक, पंकज जेटली, धीरज जेटली, विकास, पवन सेन, विजय मान, हरीश सोनी, गौरव सेन, मोहित सेन, अपर्णा बाजपाई, अनुभा शर्मा, पूनम खंगारोत और डॉक्टर रूबी लादा आदि लोग मौजूद रहे। बेटी फाउंडेशन की ओर से जो ये बेटी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है, मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विनिंग टीम जो बेटी रही है उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन सभी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है वो मैं यूँ कहूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो लाइफ में एंजॉयमेंट तो देती देती है लेकिन साथ ही साथ फिजिकल स्ट्रांगनेस भी देती है। स्पोर्ट्समैनशिप के में कैसे किसी गेम में हार को जीत में बदला जाता है वो स्प्रिट आता है और क्रिकेट तो ऐसा गेम है जहाँ स्प्रिट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके माध्यम से निश्चित रूप से ये बेटियाँ अपनी ज़िंदगी में भी कहीं भी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होने का जो जज्बा होना चाहिए वो अपने अंदर लाएंगी और साथ ही साथ कैसे किसी मौके को हार के से जीत में बदल सकते हैं उसका जज्बा इनके अंदर पैदा होगा। बेटी प्रीमियर लीग के राजस्थान टाइम्स जो मीडिया पार्टनर हैं और आयोजकों की जो पूरी टीम है उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इस सफल आयोजन के लिए और राजस्थान टाइम्स के माध्यम से जिस तरीके से ये इवेंट सब जगह पहुंचा है, एक मोटिवेशन सब जगह हुआ है और इस इवेंट को हम यूँ कहें कि एंजॉयमेंट के साथ साथ ये इन बच्चियों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनके जीत के जज्बे को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करेगा, मजबूत करने का काम करेगा। बेटी फाउंडेशन ने जो एक शानदार प्रोग्राम यहाँ क्रिकेट का किया है उसके लिए आयोजकों और सभी जो प्रतिभागी हैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करना उसको मूर्त रूप देने में बहुत बड़ा और ये एक मंच जो दिया है पवन ताज साहब ने और बेटी फाउंडेशन ने एक बहुत शानदार प्रयास किया है और ये जो आयोजन रहा है ये वास्तव में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
देखिए जो बेटी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, मैं आयोजन करता हूँ उनको साधुवाद देती हूँ, क्योंकि ऐसे मंचों को उपलब्ध करवा करके बच्चियों को आगे बढ़ाने का अवसर देना, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिससे वो आगे बढ़ सके, अपने उनको जो पंख दिए ईश्वर ने उनसे उड़ सके वो, तो मैं मानती हूँ ऐसे प्रोग्राम जो आयोजित होते हैं उससे पूरे समाज में एक संदेश जाता है कि हम सबका सरोकार उस नारी जाति के साथ होना चाहिए जिससे सृष्टि टिकी हुई है। और विशेषकर ऐसे युवा लोग जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक पहल शुरू करते हैं जिससे पूरा सरोकार समाज के साथ जुड़ करके बच्चों को बचाने आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहता है। काफ़ी अच्छा मैच यहाँ पर हुआ है और यहाँ हमारे जो सभी साथीगण हैं, पवन डाक जी सर, पवन गोयल जी सर, राधेश्याम गुप्ता जी सर, जेडी महेश्वर जी, रोहित सेडिया जी, ज्योति मैम, अलीशा, अकबर खान जी टॉक्स आए हैं हमारे लिए यहाँ पर, वो पूरा सपोर्ट करते हैं। मोहित दुबे जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, बाकी हमारे सारे लोग पीएस लॉन्च की टीम है, हमारे पास जेके मसाला की टीम है, मिस्टर विकास जैन साहब है हमारे साथ डेनमार्क से, मोहित विजय मान जी है हमारे पास, पूनम मैम है, सारे लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, इनके सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती थी। और आज हमें बहुत खुशी है, आदिराज जी हमारे साथ है, आदिराज जी ने बहुत बढ़िया फोटोग्राफी करवाई, इनकी टीम ने काफी अच्छा प्रोडक्शन हाउस इनका, यस राजस्थानी हमारे बीच में सबसे बड़ी चीज, ये हमारे हर इवेंट में आते हैं और पूरी मतलब पूरी इनकी प्रतिभा का यहाँ पर पूरा वो दिखाते हैं। जोहर यस, दो सब यस बोलेंगे, यस भाई। मैं सबसे पहले बेटी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और राज भैया को भी, क्योंकि वो बेटियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, जो उनमें टैलेंट है उन्हें निखार रहे हैं, तो बेटी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत